हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीट 2023 को लेकर जो लोगों के मन में डाउट चल रहे हैं, जो क्वेश्चन चल रहे हैं, उनका आंसर देने वाले हैं। क्योंकि न्यू जो है न्यूज़पेपर में भी नीट के बारे में जो न्यूज़ आई थी उसके देखते हैं हम क्या क्या न्यूज़ थी। दोस्तों, न्यूज़ ये है कि नीट 2023 जो है सीजन में सिर्फ एक बार होगा। लोगों को डाउट है कि क्या जेई की तरह ये भी दो बार हुआ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये सीजन में ओनली वन बार ही होने वाला है और जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जल्द आने वाले हैं। और क्या इस साल नीट का पेपर जो है टफ हो सकता है, ठीक है, देखते हैं क्या था न्यूज़पेपर में। तो साल 2023 में नेशनल टेस्ट, नेशनल कम एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट नीट UG एक बार ही आयोजित किया जाएगा, है ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी तारीख घोषित कर चुका है ना। नीट का आयोजन 7 मई को होगा, 7 मई को दोस्तों, है ना। फर्स्ट मई के फर्स्ट वीक ऑफ संडे को, मतलब फर्स्ट संडे जो भी रहेगा ना, तब नीट होने वाला है 7 मई को, ठीक है। इसके बाद में इसके जल्दी ही इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इसके बावजूद छात्रों को मदद, मतलब उम्मीद थी, क्या था यार ये पता नहीं, वो दिख नहीं रहा है। NTA इस साल 2 बार नीट का आयोजन करेगा। हाल ही में ITI एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे की ओर से दायर RTI में यह स्पष्ट किया गया कि इस साल अभी मात्र एक बार ही नीट का आयोजन होगा। छात्र लगातार इसे साल में 2 बार आयोजित करवाने की मांग उठा रहे थे। JEE मेन की तर्ज पर ही नीट की बेस्ट स्कोर के आधार पर एडमिशन का तर्क दे रहे थे। फिर देख, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, आसान नहीं साल 2023 में 2 बार नीट का आयोजन, है ना। क्या है नीट को लेकर अमूमन हर साल विवाद रहते हैं, कभी सवालों को तो कभी उम्र सीमा को लेकर कंट्रोवर्सी होती है। पिछले साल प्रदेश के 2 जिलों में अनियमितता सामने आई, इस वजह से वहां दोबारा पेपर हुआ। इस वजह से नीट को साल में 2 बार करवाना NTA के लिए बड़ी चुनौती है। उस तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो एक साल में 2 बार पॉसिबल नहीं है। एम्स के मर्ज होने से स्टूडेंट को पास नीट का ही विकल्प है, मतलब एम्स नीट में मर्ज हो गया तो अगर एम्स में जाना है, किसी का सपना है, तो उसे नीट ही देनी पड़ेगी, कोई रास्ता दूसरा नहीं है। एम्स रिजेंट है ना, यही दिया हुआ है इसमें, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर इधर क्या है, अब हाई स्कोरिंग रहने लगा, एग्ज़ाम 100% का भी संभव है। दोस्तों, आप लोगों को पता है नीट 2022 और 2021 और 2020 में जो है 720 और 720 आए हैं, तो ये अब पॉसिबल होने लगा है कि 100% अंक लाना भी नीट में पॉसिबल है अब, ठीक है। नीट अब हाई स्कोरिंग बन गया है, छात्र अब 720 में 720 अंक तक हासिल करने लग गए हैं। COVID-19 कारण पेपर का स्तर थोड़ा आसान कर दिया गया। अब COVID-19 के बाद नीट के स्टैंडर्ड फिर से थोड़ा मुश्किल बनाया जा सकता है दोस्तों, इस बार टफ आने के चांसेस है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।